शिमला में भाजपा मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगा ईमानदारी लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हार की हताशा में आप नेताओं को तंग के लगाया आरोप। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। मौके पर पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए रहे तैनात। धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा मोदी की सरकार देश के अंदर तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जहां जांच करने की हम लोगों ने मांग की थी कि अंडानी ने 38 ऐसी कंपनियां बनाई हैं कि जिनकी जांच होनी चाहिए थी कि सारा पैसा देश से बाहर गया और वहां से फिर एक नंबर में ये वापस देश के लिए खर्चा किया जा रहा है। 35 कंपनियां अडानी की ऐसी है जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है, ऐसी कंपनियां बना के ये सिर्फ बचाव है अडानी जी का। और इस चीज से लोगों का ध्यान भटके, इस जांच की लोग डिमांड ना करें, इसलिए जो है ये सारा षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये काम कर रहे हैं। और इनका सीधा टारगेट ये है कि 2024 के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जिस तरीके से लोग लाइक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी का विस्तार होता जा रहा है, उस चीज को रोकने के लिए आज हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस बनाकर जेल में डाला जा रहा है। आज ये जांच की बात इनको करनी चाहिए थी, अंडानी जी की करनी चाहिए थी जो बात चल रही थी। इस सिर्फ इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जनता का आज ये षड्यंत्र रचा गया है और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर फर्जी केस कर दिए गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया जी एक कट्टर ईमानदार आदमी है, उनकी पहले भी जांच हुई है, उसमें भी कुछ नहीं निकला और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे जांच में भी, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा, ये मैं बड़े दावे के साथ बात रखना चाहता हूँ। और देश के जनता के लिए जिस तरीके से जिस आदमी को शिक्षा के लिए हिंदुस्तान में अवार्ड मिलना चाहिए था, उसे प्राइज मिलना चाहिए था, वहाँ पे उस आदमी को, ऐसे इंसान को जेल में डाला जा रहा है। तो ये भाजपा ना तो ये किसी को पढ़ते देखना चाहती है और ना किसी को पढ़ना देना चाहती है। ये चाहती है कि देश में भगत अंधभगत बने रहे और इस तरीके से इनकी भक्ति चलती रहे और इनकी सरकारें बनती रहे। अब देश की जनता को ये खुद डिसाइड करना है कि अब देश में किस तरीके का उनको माहौल बनाना है, किस तरीके के लोगों को चुनना है। तो मनीष सिसोदिया जी ऐसे हैं, ये पहली बार नहीं है, इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार विश्व लेवल पर इनको एजुकेशन मिनिस्टर का बेस्ट अवार्ड मिल चुका है, जहां देश की सरकार को वो देना चाहिए था, आज उनको जेल में बिठा दिया। भाजपा नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े, देश को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल मिले, जो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का जो राजनीति का जो मॉडल है कि जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य नीति हो, लोगों को रोजगार मिले, सड़कें और बिजली पानी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं, और ये कोई जो फ्रीबीज का ही जो नाम लेते हैं ये बांटे तो फ्रीबीज ये बांटे तो वो सुविधाएं और आम आदमी पार्टी दे तो वो फ्री की रेवड़ियां हैं। तो ये इस तरीके का जो दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने है और वो अब जनता ज्यादा इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें जो है 2024 में हिंदुस्तान की जनता ये भाजपा मोदी और शाह इन जोड़ी को बाहर करेगी सत्ता में और ईमानदार कट्टर ईमानदार लोगों को सत्ता में लाएगी। और दूसरी तरफ दिल्ली में